गाजियाबाद घंटा घर कोतवाली के एक व्यापारी के बेटे के अपहरण में पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बदमाशों ने सूरजपुर में काम करने वाले युवक मोहित को अगवा कर लिया और 10 लाख की फिरौती मांगी है और इस पर पुलिस ने मामला नोएडा का बताकर पीड़ित परिवार को लौटा दिया है। मोहित एक कारोबारी का बेटा है। तो ये बड़ी खबर, गाजियाबाद घंटा घर कोतवाली के एक व्यापारी के बेटे के अपहरण में पुलिस का रवैया सवालों के घेरे में। बदमाशों ने सूरजपुर में काम करने वाले युवक मोहित को अगवा किया, 10 लाख की फिरौती उसके परिवार से मांगी है और इस पर जब मामला दर्ज कराने परिजन पहुंचे तो पुलिस ने मामला नोएडा का बताकर पीड़ित परिवार को लौटा दिया है। यादराम भारती हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। यादराम, क्या अब जाकर मामला कहीं दर्ज किया गया? और ये तो बहुत गलत है कि पुलिस दूसरे इलाके का मामला बताकर मामले को टाल दे। देखिए, पूरा मामला गाजियाबाद के घंटाघर कोतवाली इलाके का है जहां पर मोहित यादव, जो कि सूरजपुर में नौकरी करता था, घर से निकला और उसके बाद घर वापस लौटा ही नहीं। इस बात की शिकायत लेकर जब जो परिजन थे घंटाघर कोतवाली गए तो उन्होंने इस मामले को साफ तौर पर नोएडा का बताते हुए उनकी शिकायत वहां पर कहने को कहा, जिसके बाद जो परिवार था वो नोएडा गया। फिलहाल जो मोहित यादव है उसको उनके जो परिजन है उनके पास एक कॉल आती है और उसके लिए उसकी छोड़ने के वजह 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। फिलहाल जो पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन पुलिस ने जो परिजन है उनको नोएडा का मामला बताकर उन्हें फिलहाल वहां भेज दिया है। जी शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बताओ बेटा। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, युवक के अपहरण के बाद उसके परिवार वालों से फिरौती की मांग की गई, 10 लाख की फिरौती मांगी गई है, लेकिन पुलिस ने पहले मामला टालमटोल किया और दूसरे इलाके का मामला बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। गाजियाबाद घंटाघर कोतवाली के एक व्यापारी के बेटे का अपहरण हुआ है, सूरजपुर में वो काम करता था, उसका नाम मोहित है। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। यूपी के सीतापुर का एक गांव ऐसा है जो आज भी अंधेरे में है। 4 साल पहले ज्योति कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को गांव में बिजली पहुंचाने का टेंडर दिया गया, लेकिन 4 साल बाद अब तक गांव में सिर्फ आधे अधूरे खंभे ही लग पाए हैं। गांव वालों का यह आरोप है कि भ्रष्टाचार की बदौलत गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई। तो सवाल यह है कि आखिर यूपी में पावर के ऐसे और कितने स्कैम हैं? यूपी के सीतापुर का एक गांव जिसमें पसरा है करप्शन का अंधेरा। यूपी में और कितने पार स्कैम? यूपी के सीतापुर के गद्दीपुर गांव में करप्शन का अंधेरा पसरा है। गांव में बिजली के खंभे बुध की तरह खड़े हैं, उनमें करंट दौड़ने की आस गांव वालों को पिछले 4 साल से है। अफसोस बस इतना है कि सालों बीत गए लेकिन गांव आज भी अंधेरे में है। गांव के रोशन होने की उम्मीद भी अब धुंधली सी पड़ गई है। पिछले 4 सालों में कितना बदला उत्तर प्रदेश, ये हकीकत जानने के लिए हम खड़े हैं सीतापुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर गद्दीपुर गांव में। यहां पर बिजली का आलम यह है कि पिछले 4 साल में यहाँ खंभे तो लगे लेकिन गाँव वालों ने आज तक बिजली की रोशनी नहीं देखी। खंभे लगे हुए हैं करीब 10 साल लेकिन 5 साल तो लाइट कतई नहीं आ रही। ऐसा तो लग रहा है सर घोटाला ही किया होगा, इसलिए तो बत्ती नहीं आ रही। सीतापुर से 10 किलोमीटर के फासले पर है गद्दीपुर गांव। गांव की आबादी करीब 1300 की है। 4 साल पहले ज्योति कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को गांव में बिजली पहुंचाने का टेंडर सरकार की तरफ से दिया गया था। 4 साल में कंपनी गांव में सिर्फ बिजली के आधे अधूरे खंभे ही गाड़ सकी। बिजली अब भी गांव के लिए एक सपना है। गांव वालों का आरोप है कि घोटाले की वजह से गांव में बिजली नहीं पहुंची। हमारे सिलाई देखिए यहाँ पे खंभे लगे हुए हैं, इसको लगे हुए कम से कम 1.5 साल हो गया, आज तक ना इस पे ट्रांसफार्मर आया ना तार खींचे। पिछले कई सालों से पहले एक ट्रांसफार्मर वहाँ के लिए पास हुआ था और 2 खंभे दीक्षित जी पूर्व चेयरमैन जिला परिषद के उनके घर के पास लगे हैं और ट्रांसफार्मर वहाँ पास था लेकिन उसके बाद ट्रांसफार्मर आज तक नहीं लगा है। गांव में 4 साल बाद भी बिजली क्यों नहीं पहुंची, क्यों आज तक गांव अंधेरे में है, इस पर सरकार के नुमाइंदों की अपनी दलील है। कंपनी ज्योति कंपनी थी जिसने बीच में काम छोड़ दिया, उसके अंडर में ब्लॉक ख़राबात था, उसके द्वारा खंभा लगाए गए हैं। री टेंडरिंग करते हुए एक कंपनी के EI है, उसके द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया है। जो उसने काम अधूरा छोड़ा है उसको
ये जनवरी तक पूरा करने की कोशिश में है, पूरा कर दिया जाएगा। अधिकारी अब नए सिरे से गांव में बिजली पहुंचाने का दम भर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि क्यों नहीं चार सालों से अंधेरे में रह रहे इस गांव की सुधि ली गई? आखिर किसकी मिलीभगत से गांव में बिजली की जगह सिर्फ खंबे ही पहुंच सके? आखिर सरकार को यूपी में करप्शन की पार क्यों नहीं नजर आ रही? राजकुमार दीक्षित, इंडिया 24/7, सीतापुर।